पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राज्यपाल लालजी टंडन के साथ बिताए समय को याद करते हुए उनके प्रसंग साझा किए। अपने अनुभव के हिसाब से पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि हम तो उन्हें लालजी कहकर बुलाते थे। वो हमारे बड़े भाई की तरह थे, हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे और पार्टी को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हर कार्यकर्ता की परेशानी को अपनी परेशानी समझते थे। लालजी टंडन केवल राजनीति नहीं बल्कि संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। उन्होंने लखनऊ पर एक किताब लिखी थी जिसमें लखनऊ के बारे में उन्होंने बताया था और उनकी विशेषताएं बताई थी। ये सब अभ्यास में लिखा था। उन्होंने वहीं अटल जी की स्मृति में संस्कृत केंद्र बनवाया। उनका यूँ चले जाना पार्टी के लिए बड़ी हानि है, हमने एक बड़े भाई को खो दिया है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। सुना, हम तो उन्हें लाल जी ही बोलते थे और वास्तव में एक बड़े भाई की तरह थे। राजनीति में तो इस पार्टी को बनाने में बढ़ाने में नींव के पत्थर जैसे थे, बहुत योगदान उनका रहा और बहुत कार्यकर्ताओं की तरफ भी बहुत बारीकी से ध्यान देते थे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारी पार्टी एक परिवार है, तो परिवार जैसा ही उनका व्यवहार हमेशा रहा। और केवल पॉलिटिकल उनका सोच नहीं था, सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे बढ़ाना, सांस्कृतिक विचार। उन्होंने लखनऊ पर एक किताब लिखी थी, लखनऊ का इतिहास, लखनऊ की विशेषताएं अभ्यास करके किताबें लिखी, तो ये भी एक उनकी विशेषता। और वहाँ जो उन्होंने अटल जी की स्मृति में बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, तो ऐसे काम भी उन्होंने किए थे। और ऐसा जो व्यक्तित्व जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था, तो क्षति तो है लेकिन बहुत दिनों से तबीयत खराब थी उनकी, तो एक बहुत अच्छा बड़ा भाई हमने गवाया है। वो इत्र की कुपी एक बार उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबको भेंट करी थी, तो मुझे वो कल्पना आई, मैंने कहा मैं भी ऐसी क्यों नहीं भेंट करूं, कहाँ मिलेगी क्या मिलेगी। तो उन्होंने कहाँ मिलेगी क्या मिलेगी, बात तू सोच, तुझे करना है ना, मैं सब करूंगा व्यवस्था, यानी इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे सिखाया था, छोटी छोटी कुपियाँ वहाँ कानपुर में मिलती थी और वो उन्होंने मुझे भेजी थी, बोले इसमें तुम्हें जो चाहे इत्र भर, इत्र भी चाहे तो मैं भेजता हूँ और ये भेंट कर, एक अच्छा सुगंध लोगों के साथ रहता है स्मृति का। तो ये जो कल्पना उन्होंने दी थी, बहुत दिन तक मैंने वो किया था, तो ऐसी भी कई स्मृतियाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।